रजिस्ट्रेशन स्कैन की लाइन देख सकते हो कितनी ज्यादा लंबी है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। सो फाइनली भाई अभी सोनप्रयाग से निकल रहे हैं और आगे के लिए बद्रीनाथ के लिए। और आज का वेदर चेक करो भाई, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है यार। और ऊपर देखते हैं भाई लाइन चल के कि लाइन कितनी लंबी है रजिस्ट्रेशन स्कैन के लिए। और पार्किंग में देखो यार, पार्किंग में कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई है। हमारे सभी साथी भाई रेडी हो चुके हैं। आज भाई की तबीयत थोड़ी डाउन है, ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हमारा भाई हाय। तो भाई ये है रजिस्ट्रेशन स्कैन की लाइन, देख सकते हो कितनी ज़्यादा लंबी है भाई। रोज़ लाइन बढ़ती जा रही है, कभी कम नहीं हो रही यार। कभी आप सोचो कि कम होएगी, हम इस डेट पे जाएंगे बस बढ़ती जा रही है भाई धीरे। ओ माय गॉड, अबे देख रहे हो भाई लाइन, देखो भाई लाइन। रजिस्ट्रेशन स्कैन की लाइन है ना, वो भाई बहुत लंबी लाइन है। सीतापुर पार्किंग से लेकर भाई सोनप्रयाग की पार्किंग तक लाइन बहुत ज़्यादा है, ये चेक करो भाई। और आगे तक भाई लाइन बहुत बढ़ती जा रही है और सामने है पार्किंग। मुझे लगता है इस साल रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि भाई जो लाइन है बहुत लंबी लाइन है भाई, बहुत लंबी। सीतापुर पार्किंग है और लाइन देखो भाई, सीतापुर पार्किंग से भी बहुत भाई आगे तक है। इसलिए भाई ये देख सकते हो भाई, भाई सोचा नहीं था यार कि इतनी ज़्यादा लंबी लाइन होगी यार, क्योंकि मैनेजमेंट दर्शन करके आ गए, मैनेजमेंट भाई बहुत बेकार है। इसलिए यार ये लाइन आपको इतनी लंबी दिखाई दे रही है। मैनेजमेंट अगर अच्छा होता तो इतनी भाई लाइन नहीं होती। तो भैया कैसा लगा आपको दर्शन करके? अच्छा लगा, बढ़िया। मैनेजमेंट कैसा लगा यहाँ का? मैनेजमेंट बहुत पुअर है ना, बहुत घटिया, एकदम बेकार भाई। हम लाइन में घुस गए, एक हफ्ते हम दर्शन करके आए भाई, मैनेजमेंट एकदम बेकार था, सब कुछ हमने देखा यार। ये बेचारे जो सब अच्छे लोग हैं ना, वो लाइन में लगे, बाकी आगे बीच में घुस जाए। सही कह रहे हो, तो भाई देख रहे हो पब्लिक कैसे आगे आगे भाग रही है भाई। तो भाई आप ये देख सकते हैं श्रद्धालु कैसे भर भर के आ रहे हैं भाई। ये चेक करो भाई, भीड़ कितनी ज़्यादा होने वाली है केदारनाथ में। अगर यार मैनेजमेंट अच्छा हो ना यार, तो यात्रा काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है यार। आप ये देख सकते हो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम है ना, और ऑफलाइन भाई गवर्नमेंट ने इसलिए निकाला ताकि यार रस ना हो, भीड़ भाड़ ना हो। और भाई पिछले साल से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत लाइन यार, कम से कम भाई 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। ये देख सकते हो भाई मैनेजमेंट कितना बेकार है। तो भाई ये देख सकते हो सीतापुर की पार्किंग और सोनप्रयाग की पार्किंग फुल होने की वजह से भाई लोगों ने देखो सड़कों पर गाड़ियाँ लगा रखी है। गवर्नमेंट को यार करना चाहिए, पार्किंग एक बड़ी सी बनानी चाहिए, जैसे लोहे की पार्किंग बनी हुई है ना भाई, क्या बोलते हैं, मंजिल टू मंजिल बनी हुई है, ऐसी पार्किंग बनानी चाहिए ताकि रोड पे जाम ना लगे यार। और श्रद्धालु देख सकते हो भाई, श्रद्धालु कितने ज़्यादा आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं भाई। सोनप्रयाग से कम से कम 8-9 किलोमीटर आगे आके हम बैठ चुके हैं और अभी देख सकते हैं भाई बिल्कुल खाली है। और भाई अगर आप लोग आ रहे हैं तो भाई कम से कम 2-4 दिन या 15 दिन बाद का प्लान बना के आए, क्योंकि आज जाम बहुत तगड़ा है। आपको 8-9 किलोमीटर पहले ही अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी और आपको पूरा दिन निकल जाएगा भाई, सोनप्रयाग पहुँचने में, क्योंकि हम आ रहे हैं तो भाई हम आपको अपडेट देना चाहते हैं। इसलिए अगर आप लोग आ रहे हैं तो भाई देख के आए यार कि जाम है या नहीं है, क्योंकि भाई बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ भाई, बहुत तगड़ा, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं भाई जाम से। इसीलिए हम थोड़ा आगे आके बैठे हुए हैं और भाई कर रहे हैं लिफ्ट का इंतज़ार भाई, क्योंकि हमें जाना है चोपटा तुंगनाथ और उसके बाद जाएंगे हम सीधा बद्रीनाथ, इसलिए हम लिफ्ट ले रहे हैं यार। भाई आपको तो पता है भाई बस में हालत ख़राब हो जाती है यार, अभी मैं ऋषिकेश से आया नहीं था केदारनाथ तक, मेरी भाई हालत ख़राब हो गई थी, फिर मेरा मन ही अड़ गया यार, मैंने सोचा यार लिफ्ट लेके ही जाएंगे यार, क्योंकि अपना एक साथी भी है ये रहा, इसलिए यार दोनों का प्लान है कि भाई लिफ्ट लेके ही बद्रीनाथ पहुंचा जाए। इसलिए अभी बैठे हैं भाई, लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं धीरे धीरे करके आ रही हैं, पर भाई जाते समय बहुत तगड़ा जाम है यार, बहुत तगड़ा जाम है, क्योंकि मैनेजमेंट पूरा बेकार हुआ पड़ा है, इसीलिए यार बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। और रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत तगड़ी लाइन है, रजिस्ट्रेशन स्कैन के लिए भी बहुत तगड़ी लाइन है यार,
कम से कम भाई 4 किलोमीटर लंबी लाइन है, 4 किलोमीटर लंबी। हम तो भाई हैरान हो गए देख के यार। फाइनली हम भाग्यशाली थे कि हम बीच में लग के यार हम फाइनली हम चले गए थे यार, भगवान माफ़ करना यार। तो चलो अभी थोड़ा छाँव में बैठे हुए, उसके बाद निकलेंगे आगे की ओर। तो भाई फाइनली यार 1 घंटा वेट करने के बाद लिफ्ट मिल चुकी है, और ये हैं सर जिन्होंने लिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच सर। अरे वेलकम वेलकम। आप कहाँ से सर? मैं इधर ही का लोकल हूँ। अच्छा अच्छा, आपका नाम? अंकित पिस्ट। अरे वाह। तो आप भाई यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं गाय फ्रॉम केदारनाथ। अच्छा। और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं अंकित पिस्ट विद रक्षक। अच्छा। आप मेंशन कर देना। अच्छा ओके सर ओके, तो थैंक यू सो मच सर। आप कहाँ तक लिफ्ट देंगे? हम आपको अभी गुप्तकाशी तक लेके जाएंगे। चलो ओके, थैंक यू सो मच सर। तो भाई अभी सर हमें छोड़ेंगे गुप्तकाशी यार, बहुत बहुत शुक्रिया यार, क्योंकि यहाँ पर यार केदारनाथ में लिफ्ट मिलना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि केदारनाथ से आगे कोई रोड ही नहीं है यार, इसलिए यार जो भी आते हैं सारे श्रद्धालु आते हैं, और यार ज़्यादातर गाड़ियाँ फुल ही रहती हैं इसलिए। तो फाइनली गुप्तकाशी तक चलते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो भाई जिन भैया ने हमें लिफ्ट दिया था उन्होंने हमें गुप्तकाशी छोड़ दिया, अभी गुप्तकाशी सिटी में हम, और यहाँ से दिल्ली है 425 और हरिद्वार 203, लेकिन हम इन दोनों में से कहीं नहीं जाएंगे, हम जाएंगे चोपटा तुंगनाथ मंदिर। तो चलते हैं आगे, अपने दो साथी और वेट कर रहे हैं, दो हम हैं। और भाई जिन भैया ने लिफ्ट दी थी ना यार, काफ़ी हैवी ड्राइवर थे यार, बहुत तेज चलाई उन्होंने कार। आपको एक मैंने क्या बोलते हैं, एक वीडियो मैंने डाल रखी है, काफ़ी तेज चला रखी है उन्होंने यार। अभी सबसे पहले अपने दोस्तों को ढूंढते हैं भाई, हमारे दोस्त कहाँ हैं, उसके बाद हम सब बढ़ेंगे आगे की ओर। और ये यहाँ की मार्केट कुछ ऐसी है भाई, गुप्तकाशी ये मेन सिटी है। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं उखी मठ, और उखी मठ में भाई ये देखो भाई साफ सफाई कितनी ज़्यादा है, और शांति एकदम, और मौसम अभी हो चुका है एकदम बढ़िया वाला, देख सकते हो भाई। हाँ हाँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। और भाई उखी मठ से जो क्या बोलते हैं चोपटा की दूरी है वो भाई 29 किलोमीटर है, और भाई सारा जंगल ही जंगल है भाई। हम लिफ्ट लेके जा रहे हैं, हमें हर कोई कह रहा है कि आप थोड़ा देख के जाना, अगर लिफ्ट भी ले रहे हैं तो भाई थोड़ा देख के जाना पड़ेगा यार। और भाई यहाँ के जो पहाड़ है ना भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा एकदम भाई सीढ़ी जैसी खेती होती है यहाँ पर, जैसे सीढ़ी होती है ना यहाँ पर पहाड़ों में, ऐसी खेती होती है। और भाई देख देख के काफ़ी मस्त मज़ा आ रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है, और भाई यहाँ से आज जाने का मन ही नहीं कर रहा है। देखो कितनी शांति, कितना बढ़िया लग रहा है यार यहाँ पर। जहाँ तक आज हम चोपटा पहुँच जाएंगे, क्योंकि आज चोपटा यहाँ से 29 किलोमीटर ही बचा है, और अभी समय हुआ है भाई 3 बजे है, तो हम पहुँच ही जाएंगे आज। जब तक देखते हैं, इस रूट पे ना गाड़ियाँ बहुत कम चल रही है, पर जो भी आती है ना लिफ्ट मिल जाती है। आओ 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 भैया, कहाँ से आए हो आप, कहाँ से यात्रा कर रहे हो? पीछे बैग डाल दो, यहीं से पीछे डाल देना। तो भाई फाइनली हमें भैया ने लिफ्ट दी है, और सीता भाई चोपटा छोड़ेंगे भैया, थैंक यू सो मच। भैया आपका नाम? महेंद्र। आप कहाँ से भैया? यही चोपटा से। तो भाई किस्मत की बात देखो कि हमारे 3 भाई मिल चुके हैं हमारे साथ, हम तीनों एक साथ हैं, एक भाई हमारा आगे पहुंच चुका है लिफ्ट लेके, ये रहे भाई अपने दोनों भाई। देखा भाई अलग अलग हिचहाइकिंग कर रहे थे, पर एक जगह मिल गए सारे भाई। तो चलो आगे चलते हैं यार, और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है यार, ये चेक करो। और यार अगर आप बद्रीनाथ या चोपटा की तरफ जाते हैं ना, तो आप इस वाले रूट से आओ उखी मठ की तरफ से भाई, सही में यार वाकई में बहुत खूबसूरत गांव है यहाँ का, बहुत खूबसूरत, रास्ते भी बहुत खूबसूरत है। तो भाई चोपटा पहुँच चुके हैं एकदम सही सलामत, और भाई मौसम चेक करो यार, बारिश होने लगी है, देख रहे हो मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है यार। और फाइनली अभी इसके नीचे रुके हुए हैं भाई हम लोग, अपना बैग वैग सब रख दिया है, अपने तीनों भाई आ चुके हैं, बस एक भाई हमारा मिसिंग है, वो भी मिल जाएगा, उसका फ़ोन तो मिल रहा है, पर यार पता नहीं क्या नेटवर्क नहीं आ रहा ना, तो इसलिए आवाज़ आवाज़ नहीं जा रही है उसे। तो भाई सामने होता भाई ट्रैक स्टार्ट, देख सकते हो भाई वहाँ से
तुंगनाथ मंदिर का ट्रैक स्टार्ट होता है। देखते हैं, अभी प्लान बनाते हैं अपने चारों भाई मिलके कि आज ही ट्रैक करना है या कल सुबह करना है, क्योंकि यार ठंड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और यार बारिश होने के कारण यार ठंड दोगुनी हो चुकी है भाई। तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं, डिसीजन लेते हैं फिर बताते हैं।